उत्तराखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम। सम स्थिति द साइंस ऑफ परफेक्ट होम्योस्टेसिस आर इक्विलिब्रियम इवन स्टेट ऑफ द माइंड बॉडी एंड सेल्स इज इम्पॉर्टेंट टू बी परफेक्टली हेल्थी वेल्थी वाइज एंड हैप्पी एंड दिस इज द सेंटर थीम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेरा धर्म अखंडता है और मेरा अनमोल आविष्कार दिव्यंग है जिसके साथ कुदरत की सबसे खूबसूरत चीजों को बनाया गया है और उसे जानकर मैं अपने सारे वीडियो को यही दिखाना चाहता हूँ कि जो भी खूबसूरत चीजें हैं कुदरत की चीजें हैं जिसे कुदरत ने बनाया है दिव्यंग के आधार पे ही बनाई गई हैं और उसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसे ही हम अखंडता कहते हैं, इसे ही रोशनी कहते हैं, इसे एनलाइटनमेंट कहते हैं, इसे ही एम्पावरमेंट कहते हैं। होली गीता जो भी वेद उपनिषद में खूबसूरत चीजें हैं उसका सारांश हम होली गीता में पा सकते हैं और होली गीता की जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कहिए ये है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ बिना किसी चाहत के, बिना किसी फल के, बिना किसी लालच के मैं वो करूँ वही कर्म के योग्य है। मगर कर्म करते रहना चाहिए, निष्फल के साथ करता रहिए, अपना धर्म निभाते रहिए, फिर आप कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं। अगर मैं आज दिव्यंग को दुनिया के सामने पहली बार दुनिया को दे पा रहा हूँ उसका आधार काफ़ी हद तक सनातन धर्म की ग्रंथ है जिसमें हम वेद उपनिषद और होली गीता जैसी चीज़ों को देख सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो धर्म के आधार पे हैं, सत्य पे हैं, राइटियस हैं और हर से की संपूर्णता अखंडता के साथ हैं। अगर हम उसे ध्यान में रखें, उसके आधार पे काम करें तो हमें अज्ञान से ज्ञान टू विज्ञान टू प्रज्ञान टू अखंडता नजर आ सकती है जिसके आधार पे हम मोक्ष को समझ सकते हैं और मोक्ष को पा सकते हैं और हर किस्म की समस्या को झेल सकते हैं। और यही चीज कथा उपनिषद में भी दिखाई गई है जिसमें यह दिखाया गया कि हर इंसान के अंदर दो सोल्स हैं, एक जो आनंद लेता है और एक जो आनंद नहीं लेता है। यही चीज मैं गीता उपदेश में भी देखता हूँ जिसमें पांच हाथी और रथ जीवात्मा है और अर्जुन अंतरात्मा है और कृष्ण भगवान परमात्मा है और जिसमें जीवात्मा संपूर्ण हो, अंतरात्मा के साथ जुड़ी हो और परमात्मा के साथ जुड़ी हो वही त्रेत प्राविद्या है, वही संपूर्ण है, उसी को पूरी सृष्टि का ज्ञान खुद ब खुद मिल जाएगा। उसके आधार पे ही मैं चीजों को समझ सकता हूँ, समझ सका हूँ और वही पेश करने की या दिखाने की कोशिश की जा रही है। आज मैं जानता हूं कि हर इंसान अपने आप में संपूर्ण रहना चाहता है, पूर्ण रहना चाहता है, हर तरीके से ठीक रहना चाहता है, अखंडता चाहता है। मगर जो स्वास्थ्य में अखंडता क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि हमें बीमारियां नहीं हैं तो हम स्वस्थ हैं। मैं समझता हूँ हाँ बीमारियां नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ हैं, मगर वो अकेले स्वस्थता का निशान नहीं है, वो स्वास्थ्य नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है, वो अखंडता का प्रतीक नहीं है। जो तो एक छोटी सी चीज है मगर जो इम्पोर्टेंट है वो इंटीग्रेटेड हेल्थ है, परफेक्ट अखंडता है जिसमें परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, अपना जिस्म हर तरीके से मुकम्मल हो, संपूर्ण हो, जिसमें समस्थिति हो, जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। समस्थिति है, परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, चाहे बाहर का है चाहे अंदर का ठीक है, जिसमें इमोशंस भावनाओं पे कंट्रोल हो, जो किसी भावना के साथ ना इधर घूमता है ना उधर करता है, सिर रहता है, वो बहुत जरूरी है, और जिसमें मन की शक्ति और संतुलन समाधि इतनी अच्छी है कि वो कुदरत के हर चीज को आसानी से समझ सकता है, इसे संपूर्ण ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है, अखंडता है, वो जरूरी है। और जो इंसान कुदरत की हर चीज के साथ सोशल सामाजिक तरीके से और रिलीजियस तरीके से
हर चीज को समझने की कोशिश करता है, उससे वही चीज लेता है जो हमारे कुदरत के साथ हमें ले जा सकती है, चाहे वो किसी से भी हो। उसको आधार बना के जो हम स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट लेते हैं, इम्पेकेबल विजडम लेते हैं, वही कंप्लीट स्वास्थ्य है। हर इंसान को कुदरत ने एक नियम से बनाया है, एज लोकपालन बनाया है। अगर हमको लोकपालन है तो हमें हर चीज को ए से लेकर अंत तक सब चीजों को संपूर्णता से, अखंडता से जानना है, फिर ही हम लोकपालन बन सकते हैं, फिर ही हम अपना ध्यान रख सकते हैं और बाकी वालों को ध्यान रख सकते हैं। इसीलिए कुदरत ने इंसान को सबसे बेहतरीन बनाया है। अब होमियोस्टेसिस की बात करते हैं। मेरा मानना है कि होमियोस्टेसिस ये है, हर इंसान के अंदर दो हिस्से हैं, एक अंदर का है, सेल के अंदर का है, एक सेल के बाहर का है। जो सेल के बाहर का इंटरस्टीशियल फ्लूइड है वो भी संतुलन होना चाहिए, समस्थिति में होना चाहिए। जो सेल के अंदर है वो भी समस्थिति में होना चाहिए। ये दोनों अगर 100 ट्रिलियन सेल में स्थिति में हैं और हम फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली कुदरत के साथ जुड़े हैं, तो ही हम अपने आप को होम्योस्टेटिक स्टेट में या सम स्थिति स्टेट में कह सकते हैं। तो सेहत के लिए ये बहुत बहुत अनिवार्य है। और सम स्थिति को बनाने के लिए ये देखना पड़ेगा कि जो चीजें इसके कारण हैं, जो इफेक्ट हैं, वो संपूर्ण होने चाहिए। और वो संपूर्ण है तो हम एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी और बिहेवियर में हर तरीके से हम मुकम्मल रह जाएंगे। इसके लिए अगर इंक्रीज होगा भी प्रॉब्लम है, डिक्रीज होगा वो भी प्रॉब्लम है, अगर नॉर्मल होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें यही देखना है कि हम हर वक्त संपूर्ण समाधि के साथ, संतुलन के साथ, समस्थिति के साथ रहें, तो ही हम जीवन का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और जय एक चीज मैं हमेशा कह रहा हूं कि हर चीज 10 हिस्सों में बनी हुई है, 10 वाइटल एस्पेक्ट्स हैं। और वेरिएबल्स में जो जितने भी संतुलन है उसकी कितनी चेंजेस हो सकती है, कितना परिवर्तन हो सकता है। जो चीजें गलत हैं वो क्लेश का कारण बन सकती हैं, जो बिल्कुल ठीक है हमें स्वस्थ बना सकती हैं, हमें सच्चित आनंद का अनुभव दे सकती हैं। ये जानने के लिए इन चीज 10 चीजों का जानना जरूरी है। सबसे पहले जिस्म में जो फूड आइटम है, अन्न अनुविद्या है, वो 38.1966% होना चाहिए। और जो पानी है वो 61.803%। मैं बार बार यही कहता हूँ कि अगर पानी 61.8 जिस्म जमीन पे भी है, हमारे जिस्म में भी है, सेल में भी है, तो हम संपूर्ण होंगे। इसे कम मत होने दीजिए और जरूरत से ज़्यादा भी देने की जरूरत नहीं है, यही रहना चाहिए। और ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर रहना चाहिए अगर आप 70 kg के हैं। और शुगर 111 mg 100 ml ऑफ खून का रहना चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, इस किस्म की जो भी चीज़ें जो हमारे लिए अनिवार्य हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, वो भी संतुलन में रहने चाहिए। और जो हार्मोन्स हैं जो कुदरत बनाती है वो भी उस परफेक्ट होने चाहिए, ताकि हर सेल बिल्कुल ठीक हो। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का जो रोल है, मैं बार बार दिखा रहा हूँ, उसको बनाए रखना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। जो दो चीज़ों को बना के रखता है उसके चक्र बराबर रहेंगे, जिसमें अच्छा रहेगा, संतुलन रहेगा, अखंडता रहेगी। और दूसरी तरफ मीन आर्टरी ब्लड प्रेशर है, मैं मानता हूँ कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 हो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 74 हो, पल्स प्रेशर 46 हो, मगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मीन आर्टरी ब्लड प्रेशर 93 पे रहना चाहिए। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। सिस्टोलिक बढ़ भी सकता है जब पानी भरेगा, और डायस्टोलिक कम हो सकता है जब पानी भरता है। जब पानी कम होता है तो डायस्टोलिक बढ़ सकता है, मगर संतुलन के लिए 93 मीन आर्टरी ब्लड प्रेशर बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन है जो अग्नि के साथ जुड़ी हुई है वो भी ज़रूरी है। वो दिव्यांग के आधार पर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दिव्यांग के आधार पर है। परफेक्ट एसिड बेस बैलेंस जो pH है वो 7.4 हो तो हम परफेक्ट होंगे। और हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो
आर 98.4 फारेनहाइट हो तो हम संपूर्ण होंगे। ये वेरिएबल्स को बना के रखना हमारा धर्म है। अगर हमको सच्चित आनंद का अनुभव करना है, संतुलन रखना है, समस्थिति में रहना है और हर तरीके से हमें मुकम्मल बन के काम करना है, तो अब इन चीजों को बनाने के लिए दो मैकेनिज्म है। एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव मीन उल्टा है, जो कॉज है, जिस चीज से चीज बनी है, जो कारण शरीर है और उसका जो अफेक्ट है, अंतर है, जो अफेक्ट आता है, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे कम करना नेगेटिव फीडबैक का है, और कम है तो ज्यादा ले जाना है। सेम ही ब्लड शुगर के साथ है, वही ब्लड प्रेशर के साथ है, वही एसिड बेस बैलेंस के साथ है, वही बॉडी टेम्परेचर, सारे के 10 पैरामीटर हैं, उसके आधार पर भी बनते हैं, चाहे वो एंडोक्राइन्स हो, हार्मोन्स हो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो, कुछ भी हो, उसको मेंटेन करने का जो धर्म, वो मेजॉरिटी जो भी होती है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ही होती है। जो दूसरा है वो पॉजिटिव फीडबैक है, जिसमें जो कॉज है, कारण है, वो एक परिवर्तन लाता है, जो परिवर्तन होता है वो अगले लिए कारण बन जाता है और वो और परिवर्तन लाता है और कारण बढ़ता है। तो पॉजिटिव फीडबैक एक ही डायरेक्शन में जाता है, जो स्टेज स्टेज में बढ़ता जाता है और अंत में जब तक उसकी संपूर्णता होती है, वो कंप्लीट होता है, तब उसके बाद बंद हो जाता है। ये दो उदाहरण मेरे लिए बहुत जरूरी है, यही चीज मैं अपने मेडिकल स्टूडेंट को सिखाता रहा हूं। अगर ये समझ लेंगे तो आप समस्थिति में रह सकते हैं। अब जो नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज्म, ब्लड प्रेशर की ये पिक्चर बनी दिखाई हुई है, पॉजिटिव फीडबैक में बेबी डिलीवरी के बारे में कहा है। जब बच्चा 10 महीने का हो जाता है, उसका सर नीचे आ जाता है, सर्विक्स डायल्यूट हो जाती है, उससे एक सिग्नल ब्रेन को जाता है, हाइपोथैलेमस को, और ऑक्सीजन आती है। जब ऑक्सीजन आती है तो फंडस कंट्रैक्ट करता है, सर और नीचे आता है और बढ़ता है, इससे और नया सिग्नल शुरू हो जाता है, वो दिमाग में जाता है, उसके बाद और कंट्रैक्शन होती है, ऐसे ही काम चलते चलते ये भी 10-15 स्टेजेस के बाद बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। इसे ही पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का ये आइडियल एग्जाम्पल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके जो दूसरे और भी एग्जाम्पल्स हैं जो इसके खिलाफ चलते हैं, उसके बारे में मैं बाद में बात करेंगे। अब जब बॉडी टेम्परेचर की जो परसेंटेज पानी की है, आप देखिए सॉलिड मैटर 38 पॉइंट है, वाटर इतना है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड 61 पॉइंट है, एक्स्ट्रा 38 है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये है, और इंट्रासेलुलर भी इतना है, इंटरस्टिशियल 31 है, और प्लाज्मा 7.1966% है। ये अगर हम मेंटेन कर पाते हैं, हमारी स्वास्थ्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने का चांस है। मुझे एक पैरामीटर है, मगर 10 के 10 को हमें देखना पड़ेगा। अब जब हम ब्लड ग्लूकोज में आते हैं तो परफेक्ट वैल्यू जो है वो 111 मिलीग्राम के पास रहेगी तो परफेक्ट है, मगर उसकी रेंज 100 से 125 तक आती है, मगर एवरेज 111 रहेगी तो वी आर परफेक्ट। मगर जो नॉर्मल रेंज है उसका नीचे का जो रेंज है 80 मिलीग्राम का है, जो ऊपर का रेंज है वो 140 का है। अगर 80 और 140 के बीच में भी ब्लड शुगर होगी तो भी हम संतुलन में रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उसके बाद जब इसमें परिवर्तन आ जाता है तो हम एलो स्टेज कहते हैं, वो दूसरी स्टेट है जो संपूर्ण नहीं है, मगर फिर भी वो 68 मिलीग्राम और 180 के बीच में आता है। 68 नीचे की लिमिट है, 108 ऊपर की लिमिट है, और 180 मिलीग्राम तक ब्लड शुगर जाने से शुगर यूरिन में नहीं आती है, क्योंकि रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू भी 180 मिलीग्राम है। इसके बीच में भी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो सकते हैं, जिसे हम एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल चेंजेस से भी अपना परिवर्तन कर सकते हैं, इसके लिए दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायबिटीज में नहीं आया है। जब उससे नीचे आ जाए 42 या 68 से नीचे और 180 के ऊपर आ जाए तो हम डायबिटीज स्टेज में आ सकते हैं, उसके परिवर्तन हो सकता है, और उसमें फिर हमें दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, मेंटेन की जरूरत पड़ेगी, हम बीमार हो सकते हैं। और ये चीज़ों के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर दिव्यांग के आधार पर हमारा खाना हो, लाइफस्टाइल हो, तो ये प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है। ये भी होम्योस्टेसिस या सम संतुलन की बहुत जरूरी है।
अगर पानी जरूरी है, दूसरा ग्लूकोज जरूरी है। अब हार्मोन की जब बात आती है तो ये भी जरूरी है कि इसका सबसे बड़ा जो सेंटर है वो हाइपोथैलेमस में है, जो रिलीजिंग हार्मोन बनाता है। वो रिलीजिंग हार्मोन वहां से निकलकर एंटीरियर पिट्यूटरी में स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बनाते हैं, वो जाके टारगेट ऑर्गन में हार्मोन बनाते हैं, और वो हार्मोन जब खून में आके जिस्म में संतुलन लेके आते हैं, अफेक्ट करते हैं, इसका परिवर्तन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक दोनों पे आधार करता है, और ये चीज मैं जिसमें दिखा रहा हूं। अब आ जाती है, सोडियम अपनी जगह है, पोटाशियम अपनी जगह है, क्लोराइड अपनी जगह है, साथ में कैल्शियम जो हड्डियों के लिए और हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, उसका संतुलन भी बहुत जरूरी है। अगर वो 10 मिलीग्राम है 100 ml में तो वो हम परफेक्ट हैं, अगर नहीं है, कम है तो ज्यादा है, ये चीज मैंने दिखा रही कि उसमें थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड ही हिस्सा लेते हैं। जो पैराथायराइड हार्मोन है वो जब ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो रहा है तो पैराथायराइड उसे मोबिलाइज करके नॉर्मल ले आता है। अगर बढ़ गया है, थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोसिन को लेते हैं, वो मोबिलाइज करता है, जिसके आधार पे ब्लड कैल्शियम लेवल 10 मिलीग्राम तक आ जाता है। ये जानना भी बहुत जरूरी है। अब सोडियम पोटाशियम पंप नॉर्मल ये ट्रांसलेट नहीं होता है इन आउट सेल्स के बाहर से सेल के अंदर जाने के लिए, इसे सोडियम पोटाशियम एटीपी पंप की जरूरत पड़ती है। और एटीपी पंप के में जो फार्मूला है वो भी 10 स्टेजेस का है, ये हमने डिटेल में दूसरे दिखाएंगे, मगर यहाँ एक चीज में उबार के लाने की करें, इसको कैलकुलेशन में नर्नेस इक्वेशन का जरूरी है, उसमें लॉग 61 का इस्तेमाल किया गया है, और मेरा मानना है कि 61.8034 परफेक्ट है। अगर हम इसे देखें तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल और भी नॉर्मल होगी, मगर ये लॉग 61 किस लिए बनाया गया, किसी किताब में इसका आंसर नहीं मिलेगा, किसी जर्नल में भी नहीं मिलता। मेरा मानना है कि वाटर को ही एलिमेंट को बता रहा है, क्योंकि जो भी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं वो सोल्यूशन फॉर्म है, चाहे वो पोटेशियम हो या सोडियम हो। अगर दोनों से कैलकुलेट करना है तो वाटर को ही इस तरीके से लाया गया है। ये भी मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि ये भी दिव्यांग के आधार पे ही है। अब मीन आर्टरी ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mm होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 74 हो, ये आइडियल है, इसमें कोई दो राय नहीं, और पल्स प्रेस 46 है, और मीन आर्टरी ब्लड प्रेशर 93 होना चाहिए। अब इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेडिकल बुक्स में ये दिखाया जाता है कि मीन आर्टरी ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उसमें 1/3 पल्स प्रेशर को ऐड किया जाता है, और मैं समझता हूँ वो गलत है। ये 1/3 नहीं, 38.1966 पल्स प्रेशर को लेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट होगा। वो भी इसलिए है कि दिल की जो सिस्टोलिक स्टेज और डायस्टोलिक स्टेज में दिव्यांग ही है, हर स्टेज में दिव्यांग ही लगा हुआ है, जो भी कुदरत की देन है वहां दिव्यांग ही है, ये एक खूबी है। यही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुदरत की जो भी परफेक्ट चीजें हैं दिव्यांग के आधार पे ही हैं। और पार्शियल प्रेशर, अब जो ऑक्सीजन है जिसे हम अग्नि कहते हैं, जिसे वेदों में सबसे ज्यादा दिखाया गया, अगर ऑक्सीजन है तो अग्नि है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो अग्नि नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, जो सी लेवल पे है, मैं चेन्नई में हूँ, तो सी लेवल में ऑक्सीजन जो का पार्शियल प्रेशर है 160 mm है, एलिवेल लेवल पे 100 है, और वीनस लेवल पे 38.1966% है। ये क्यों है? क्योंकि वो दिव्यांग के आधार पे है, ये समझ लें तो हम बिल्कुल ठीक होंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे तो ब्लड लेवल पे 38.196 है, और मेरा मानना है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करते हैं तो 61.834% ही एक्सपेल कर सकते हैं, पूरे को नहीं कर सकते क्योंकि बाकी को रिटेन किया जाता है, क्योंकि जिस्म में स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए और किडनीज में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत आवश्यकता है, इसके आधार पर इतना ही। इसलिए इंस्पिरेशन जो है वो 38.196% ही है, जो एक्सपिरेशन है वो 61.834% टाइम है। ये भी कुदरत की देन है कि यहाँ पे भी आके
आप दिव्यांग को ही देखते हैं। आपने बॉडी टेम्परेचर की बात की तो मैंने कहा कि 37 डिग्री या 98 पॉइंट परफेक्ट है। अब इससे कम करना जब दे दीजिए दिखाया गया है इस पिक्चर में। जब बॉडी टेम्परेचर कम होती है तो हमें शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, जिसमें अंदर गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाती है। अगर गर्मी बढ़ गई है तो हम स्वेटिंग करना, पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिस पानी बाहर आ जाता है और वो इवेपरेशन के बॉडी टेम्परेचर को भी कम जाता है, वो नॉर्मल आ जाता है। अपने आप में एक उदाहरण है। इसी चीज को हम इस पिक्चर में देखें, जब रेडिएशन की गर्मी है तो उसमें पानी निकलेगा, इवेपरेशन होगी, इवेपरेशन से जो भी ऑब्जेक्ट है वो ठंडा हो जाता है और रेडिएशन कम हो जाती है, कन्वेक्शन कम हो जाती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाती है। अगर इसे ही मैं इस पिक्चर में दिखाऊं तो रूम टेम्परेचर कम हो गई है, हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी इंक्रीज हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाती है, इससे कंस्ट्रिक्ट जो ब्लड वेसल्स वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि लॉस ज़्यादा ना हो, और कर्लिंग हम करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, शिवरिंग होती है, हीट टेम्परेचर बनती है, जिसके आधार पर हम टेम्परेचर पे नॉर्मल पे आ जाते हैं। ये कुदरत की देन है, ये भी कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस से ही जुड़ा हुआ है। हाइपोथैलेमस में सारे कंट्रोल सेंटर्स हैं, चाहे वो रेप्टिलियन ब्रेन के हों, ब्रेन स्टेम के हों या स्पाइनल कार्ड के हों, या मैमिलियन ब्रेन लिम्बिक सिस्टम के साथ हो, या प्राइमेट थिंकिंग ब्रेन के साथ कॉर्टिकस में है, या सुपर कॉन्शियस आउटर थ्री लेयर्स और नियर कॉर्टेक्स है, अगर वो संपूर्ण है तो हम हर तरीके से मुकम्मल रहेंगे, सम स्थिति में रहेंगे, वही होम्योस्टेसिस है, वही जरूरी है। इसमें मैंने दिखा दिया कि अगर हम उसके साथ रहेंगे हमें कोई भी समस्या नहीं रहेगी, किसी किस्म का क्लेश नहीं रहेगा, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं होगा, हम सच्चित आनंद के साथ जाते हैं। और मुझे लगता है कि के लिए काफ़ी है, इस पिक्चर में वही सब कुछ मैंने बताया हुआ है। सो थैंक यू।